की गलियों से हम लेके आए हैं आपके लिए Xiaomi 14 Pro और आज हम लोग इस पे गेमिंग करने वाले हैं। देखते हैं Snapdragon 8 Gen 3 कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। मैंने Xiaomi 14 की भी वीडियो की हूँ, उसको भी जाके चेकआउट करना। ये हमने की अनबॉक्सिंग, ये इसमें कवर मिलता है, ये रहा फोन, ये रही पन्नी, ये रहा 120 वॉट का गैलियम नाइट्रेट का चार्जर और ये रहा टाइप सी का केबल। ये रहा हमारा फोन जो की ग्लास बिल्ड है बैक में और साइड में स्टेनलेस स्टील नहीं है, टाइटेनियम दिया है और टाइटेनियम से आपको तो एक फोन याद आ ही रहा होगा, जी हां 15 प्रो मैक्स। तो वैसा लग रहा है कि सारे फ्लैगशिप में आपको टाइटेनियम ही मिलने वाला है। 100% बैटरी है और ब्राइटनेस हमने फुल कर दी है, सारे रीसेंट ऐप क्लियर कर दिए। जल्दी से बीजीएमआई ओपन करते हैं। दोस्तों बीजीएमआई खेलने से पहले थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 6.7 इंच की LTPO डिस्प्ले है जो कि 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है और इसके साथ साथ 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 मिला है जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। बैटरी 4880 mAh की है और 120 वॉट का फास्ट चार्जर और हमने इसके 0-100 चार्जिंग टेस्ट भी किया, उसको भी जाके चेकआउट करना, चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और आप जो है सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो यार, क्या आदत है ये। अब बढ़ते हैं गेम पे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूथ पे आपको जो है एक नई सेटिंग मिली है पावर सेविंग की, इससे जो है आपकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। बट हम लोग जो है पहले एक्सट्रीम पे खेलेंगे, इसीलिए हम लोग 15 मिनट जो है स्मूथ पे पावर सेविंग पे खेल के देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है, कितना बैटरी ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट सेटिंग जो मिली है अल्ट्रा HDR की, उस पे खेलेंगे। मैच स्टार्ट कर लिया और टाइमर भी, ओ भाई साहब भयंकर लैग कर रहा है ये पावर सेविंग मोड पे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं जरा भी खेल पाऊंगा। आप खुद ही देख सकते हो कितना भयंकर ये लैग कर रहा है, मतलब एक एक फ्रेम जो है वो अटक अटक के चल रहा है, इतना भयंकर लैग मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। हालांकि ऐसे सेटिंग्स पे खेलने के लायक तो नहीं लग रहा है। और अभी जो हमने सनलाइट मोड ऑन कर दिया है 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस, डिफरेंस थोड़ा सा ही पता चल रहा है वैसे। दोस्तों काफी ज्यादा लैग कर रहा था तो मैं अभी स्मूथ पे एक्सट्रीम पे खेलने वाला हूँ। ये हमने स्मूथ पे एक्सट्रीम लगा लिया, जल्दी से एक डेथ मैच करते हैं फिर एयर एंगल लगाऊंगा। अब लग रहा है, ओ माय गॉड क्या स्मूथ लग रहा है दोस्तों, 60 FPS पूरा आ रहा है। दोस्तों हमारा 17 है, उनका 3 है सिर्फ, बहुत भयंकर खेल हो रहा है। मैंने अभी तक से 7 मार दिए। जायरो देख सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा स्मूथ है, मतलब एक एक एंगल को मेरे पकड़ रहा है एकदम। उड़ा दिया एक बार में। दोस्तों हल्का हल्का हीटिंग मुझे फील हो रही है साइड में जो टाइटेनियम है। रुको 15 मिनट होने दो फिर टेम्परेचर देखता हूँ। और यही दिक्कत जो है मुझे चार्जिंग में भी हुई थी, जब चार्जिंग में इसका टेस्ट किया काफी ज्यादा हीट कर रहा था। वो शॉट जाके डेफिनेटली देखो आप एक बार। दोस्तों 15 मिनट हो गया, बैटरी और टेम्परेचर देखते हैं। बैटरी भी देख सकते हो 97% हो रही है, स्मूथ पे एक्सट्रीम पे खेल रहे हैं वैसे हम लोग। टेम्परेचर देख सकते हो दोस्तों 34.5 हाईएस्ट किया है, 35 के आसपास है। और ये जो टाइटेनियम है इस पे देखते हैं टेम्परेचर कितना हो रहा है, इस पे देख सकते हो टेम्परेचर 32 के आसपास है। गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है अभी तक से, थोड़ा ज्यादा हीटिंग फील हो रही थी ठीक है, बैटरी उतना ज्यादा ड्रॉप नहीं हुई। क्या होता है दोस्तों जब हीटिंग ज्यादा हो रही होती है तो बैटरी ज्यादा ड्रॉप करती है, बट इसने जो है बैटरी जरा भी ड्रॉप नहीं कराया। तो दोस्तों आधा घंटा कंप्लीट हो गया है, बैटरी और टेम्परेचर जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 92% बैटरी आ गई है, आधा घंटा होने पे 10% बैटरी आराम से कम हो जाती है, बट इसने अच्छा मेंटेन किया। थोड़ा हीटिंग टाइटेनियम की वजह से फील हो रही है मुझे, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वैसे। बैक में जरा भी गर्म नहीं है क्योंकि ग्लास बैक है। 34.2 के आसपास 35.2 चला गया हाईएस्ट। अभी तक की गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छी है, जरा भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आया। डिस्प्ले की बात करूं तो काफी ज्यादा अच्छा डिस्प्ले है ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जहां पर एनिमी है वहां पर आपको दिख रहा है। दोस्तों अभी मैंने सेटिंग्स जो है अल्ट्रा HD की लगा ली है। दोस्तों मोबाइल काफी ज्यादा अभी हीट कर रहा है।
दोस्तों एक घंटा कंप्लीट हो गया, अब बैटरी और टेम्परेचर देखते हैं, फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन पूरा आपको बताऊंगा सारा विस्तार से एकदम। बैटरी देख सकते हो 81% चल रही है अभी, और टेम्परेचर जो है टाइटेनियम पे थोड़ा ज्यादा मुझे लगा। अभी बैक में देखते हैं 34 हाईएस्ट गया, 34.5 हाईएस्ट गया है अभी तक। टाइटेनियम की बात करें अगर तो यहाँ पर देख सकते हो 34 इसमें भी चल रहा है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मुझे लगा जब मैं गेम खेल रहा था, इसका पूरा साइड यहाँ पर हीटिंग हो रही थी, इसकी वजह से थोड़ी मुझे जो है दिक्कत आई गेम खेलने में। बैक में तो कोई दिक्कत नहीं था, वो तो एकदम फर्स्ट क्लास था। और हाँ दोस्तों, इसका जो कैमरा है इसकी वजह से काफी अच्छा ग्रिप मिलता है, होल्ड मिलता है आपको गेम खेलने में। बात करो अगर परफॉर्मेंस की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, ठीक है। अल्ट्रा एचडी पे बहुत अच्छा खेला, स्मूथ पे, एक्सट्रीम पे एकदम परफेक्ट 60 FPS, अल्ट्रा एचडी 40 FPS के आसपास आ रहा था। और दोस्तों डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे, 3000 nits की पीक ब्राइटनेस तो है बट उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होता है, और हाँ कहीं पर भी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं हुई। तो काफी ज्यादा अच्छी गेमिंग कराई इस फोन ने, और इसमें जो है स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 है तो उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है। अगर आप कंसीडर करना चाह रहे हो ये फोन तो काफी ज्यादा रिकमेंडेड है, आराम से आप ले सकते हो इसको। और दोस्तों एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जो इसका बिल्ड है बहुत ज्यादा प्रीमियम फील होता है। बैक में जो ग्लास है उसमें मैट फिनिश है, आजकल जहां टाइटेनियम लगा दो वहां पैसा ही पैसा है, तो Xiaomi ने इसमें भी लगा दिया। और इसका फुल रिव्यू देखना है तो मेन चैनल पे जाओ, वहां जाकर चेकआउट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।